हेलो किड्स, आज हम लेसन नंबर 4 का कंप्लीट दिस सेंटेंसेस करेंगे। फर्स्ट ब्लैंक, पूनम गोज टू मीट ग्रैंडपा एवरी सैटरडे को पूनम अपने ग्रैंडपा को मिलने जाती थी। नंबर 2, ग्रैंडपाज हाउस हैज़ अ बिग, तो आंसर आएगा गार्डन। ग्रैंडपा के घर में एक बड़ा सा गार्डन था। नंबर 3, ग्रैंडपा हैज़ अ पेट ब्लैंक एंड अ ब्लैंक। ग्रैंडपा के गार्डन में कौन से पेट थे, तो कैट और डक। नेक्स्ट है, आंसर दिस क्वेश्चन इन वन सेंटेंस, तो ये आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड डक से टू पूनम, डक ने पूनम को क्या बोला। सो द आंसर इज डक सेड क्वेक क्वेक, डक ने अपना आवाज़ निकाला था। नंबर 2, व्हाट डज बिल्बो डू इन द गार्डन, गार्डन में बिल्बो क्या कर रहा था। तो आंसर, बिल्बो चेसेस डक अराउंड द गार्डन, बिल्बो डक के पीछे भाग रहा था पूरे गार्डन में। नंबर 3, हाउ डज पूनम स्पेंड टाइम विथ ग्रैंडपा, पूनम ने ग्रैंडपा के साथ टाइम कैसे निकाला। तो आंसर आएगा, पूनम सिट्स ऑन द ग्रास एंड सिंग्स सॉन्ग्स विथ ग्रैंडपा, पूनम ग्रास के ऊपर बैठी और गीत गाए ग्रैंडपा के साथ। ठीक है, तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स और आंसर दिस क्वेश्चन, ये आपको आपकी नोटबुक में CW साइड लिखना है। और आपको आज की डेट डालनी है और डे डालना है, फिर आपको लेसन नंबर फोर का नेम है, आपको लेसन नंबर 4 का नेम अ विजिट टू ग्रैंडफादर, तो ये ऊपर मार्जिन में डालना है, अ विजिट टू ग्रैंडफादर। उसके बाद आपको आंसर दिस क्वेश्चन और नेक्स्ट आएगा कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, जो 3 ब्लैंक्स है, ये 3 ब्लैंक्स वो आपको लिखनी है यहाँ पे नीचे आपकी नोटबुक में। ठीक है, तो आज का आपका इतना वर्क है। ओके।